पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले को मंजूरी मिली है। इनमें से मुख्य फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब अब साल 2028 तक इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। इसके तहत पोषण कमी को दूर करने के लिए साल 2028 तक पौष्टिक तत्वों से भरपूर यानी फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई मुफ्त में की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 17,082 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मोदी कैबिनेट ने आज पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में 2,280 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण प्रस्ताव को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके लिए सरकार 4,406 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के विकास को मंजूरी मिली है। इस परिसर का मकसद समुद्री धरोहर को बढ़ावा देना है। ये प्रस्ताव हजारों रोजगार के अवसर पैदा करेगी।